आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम कंपेयर करने वाले हैं होंडा की दो बाइक्स को। एक है फ्रेंड्स यहाँ पे ऑल न्यू होंडा की लीवो, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पे इसका बिल्कुल ही लेटेस्ट मॉडल है, E20 अपडेटेड वाला वेरिएंट। दूसरी बाइक है होंडा की साइन 125, और ये भी फ्रेंड्स इसका यहाँ पे बिल्कुल ही लेटेस्ट मॉडल है। आप देख सकते हैं E20 की आपको यहाँ पे बैजिंग मिल जाती है। और अगर हम फ्रेंड्स दोनों के प्राइसिंग की बात करते हैं तो लगभग में जो दोनों में आपको डिफरेंस है वो 2000 रुपये के अप्रॉक्स का मिलता है। लीवो का जो फ्रेंड्स टॉप मॉडल है, डिस्क ब्रेक के साथ आता है, और इसका जो करंट ऑन रोड प्राइस है वो जा रहा है 99,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स में। और साइन का फ्रेंड्स जो ऑन रोड प्राइस है टॉप मॉडल का, ये भी फ्रेंड्स डिस्क ब्रेक्स के साथ आता है, ये जा रहा है 1,02,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स में। मतलब 1,01 से 1,02,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स में आपको मिलेगा। तो जो यहाँ पे बेसिक डिफरेंस है वो 2 से 3 हज़ार रुपये का ही आपको देखने को मिलता है। और ये वीडियो फ्रेंड्स हम रिकॉर्ड कर रहे हैं सॉरी होंडा गिरिडीह में, तो अगर आप गिरिडीह एरिया से बिलोंग करते हैं तो शोरूम में विजिट कर सकते हैं, बाइक का यहाँ पे स्टॉक्स आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे फ्रेंड्स कौन सी बाइक ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है, क्योंकि काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा था कि न्यू लीवो को जो है वो होंडा की साइन से कंपेयर करने के लिए। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स अगर आप डिज़ाइन वाइज देखते हैं तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको मेजर डिफरेंस मिलेगा। होंडा की लीवो का जो डिज़ाइन है वो यहाँ पे थोड़ा स्पोर्टी साइड में रखा है कंपनी ने। इस बार का जो मॉडल है वो यहाँ पे बिल्कुल ही न्यू ग्राफिक्स के साथ आया है। आप देख पा रहे होंगे न्यू ग्राफिक्स में यहाँ पे बाइक काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रही है। होंडा की बैजिंग आपको मिल जाती है, जो कि यहाँ पे कंपनी ने 3D में प्रोवाइड की है। और अगर आप वहीं फ्रेंड्स होंडा की साइन 125 को देखते हैं तो यहाँ पे आपको सिंपल सा टैंक मिलता है, एक्सटेंशन वगैरह नहीं है। और होंडा की जो बैजिंग है वहाँ पे भी आपको 3D में मिल जाती है। और इस बार फ्रेंड्स यहाँ पे भी कंपनी ने न्यू ग्राफिक्स दिया है। तो ऑलमोस्ट अगर आप डिज़ाइन वाइज देखते हैं तो वो थोड़ा सा फ्रेंड्स ज़्यादा कम्यूटर लगती है अगर आप इससे कंपेयर करते हैं। तो बाकी अगर आप रोड प्रेजेंस की बात करते हैं तो अगर आपको स्पोर्टी डिज़ाइन में बाइक लेनी थी तो आप लीवो को चेकआउट कर सकते हैं। और वहीं फ्रेंड्स अगर आप दोनों के यहाँ पे ओवरऑल में फीचर्स वगैरह को देखते हैं तो दोनों ही बाइक्स आपको सिमिलर मिलेगी। दोनों में यहाँ पे फ्रेंड्स आपको मीटर कंसोल ऑलमोस्ट सिमिलर मिलता है, बस यहाँ पे लीवो में जो है वो एक आपको कंपनी डिजिटल डिस्प्ले छोटा सा प्रोवाइड करती है, जो कि यहाँ पे फ्यूल वगैरह शो करता है। बाकी यहाँ पे भी एनालॉग और डिजिटल का कॉम्बिनेशन है। और वहीं अगर आप फ्रेंड्स साइन 125 में देखेंगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ एनालॉग में मीटर कंसोल मिलता है, डिजिटल में यहाँ पे कुछ भी नहीं रखा है कंपनी ने। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको सिंपल सा मीटर कंसोल मिल जाता है। बाकी इसमें आपको मिलता है फ्रेंड्स पास, हाई बीम, लो बीम, इंडिकेटर्स और हॉर्न। और इस साइड में कंपनी आपको प्रोवाइड करती है इंजन किल स्विच और इलेक्ट्रिक स्टार्ट। वहीं अगर आप उसमें देखते हैं तो फ्रेंड्स आपको उसमें सिर्फ पास नहीं मिल पाता, बाकी यहाँ पे सारा सेटअप जो है वो सेम है। और अगर आप फ्रेंड्स यहाँ पे फ्रंट से डिज़ाइन की बात करते हैं तो दोनों ही बाइक्स आ जाती है फ्रेंड्स फ्रंट में कुछ ऐसे डिज़ाइन के साथ में। यहाँ पे आपको फ्रेंड्स साइन 125 में मिल जाती है एक बिल्कुल ही न्यू फ्रेंड्स क्रोम का जो है वो यहाँ पे क्राउन टाइप का डिज़ाइन दिया गया है। और वहीं अगर आप लीवो में देखते हैं तो यहाँ पे आपको सिंपल सा जो हेडअप वो मिल जाता है। दोनों में ही लाइट्स कंपनी हेलोजन बल्ब में आपको प्रोवाइड कर देती है, और इंडिकेटर्स भी यहाँ पे आपको बल्ब में मिलता है। तो अगर आप फ्रेंड्स यहाँ पे ओवरऑल में देखते हैं तो इंडिकेटर्स जो है वो फ्लेक्सिबल डिज़ाइन का रखा है कंपनी ने। दोनों में ही फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फोक्स मिल जाता है। और अगर आप टायर प्रोफाइल की भी बात करते हैं तो वो भी सेम है, 80x100 का टायर आपको मिलता है। और दोनों ही फ्रेंड्स 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स पर माउंट है। अगर आप फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं तो इस साइड से आप डिज़ाइन का यहाँ पर आइडिया लगा पा रहे होंगे। एग्जॉस्ट जो है वो आपको साइड माउंटेड यहाँ मिल जाता है, जो कि फ्रेंड्स क्रोम मफलर के साथ आता है, और सेम आपको सेटअप यहाँ पर भी मिलेगा। तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे डिज़ाइन मिलता है। और अगर हम रेयर के टायर्स की बात करते हैं तो वो भी यहाँ पे आपको सेम मिलता है, 80x100 का ही दोनों में आपको टायर्स कंपनी ऑफर करती है। तो टायर्स यहाँ पे सिमिलर है। और अगर आप बैक के डिज़ाइन को देखते हैं तो यहाँ पे फ्रेंड्स कुछ ऐसा डिज़ाइन आपको मिल जाता है, जो कि बल्ब में यहाँ पे कंपनी आपको लाइट्स प्रोवाइड कर रही है, इंडिकेटर्स भी आपको बल्ब में मिल जाता है। और फ्रेंड्स यहाँ से बैक से कुछ ऐसा लुक्स यहाँ पे आ जाता है दोनों बाइक्स का। बाकी अगर आप ग्रैब हैंडल्स को देखते हैं तो वो भी आपको सिंगल पीस में मिलता है, इसमें भी और यहाँ पे इसमें भी सिंगल पीस में कंपनी यहाँ पे आपको हैंडल बार जो है वो प्रोवाइड कर देती है, सिंगल में आपको सीट मिलता है। और यहाँ पे जो मेजर डिफरेंस है वो आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स दोनों बाइक्स में, यहाँ पे इंजन में और पावर में। ये आता है 110 सीसी के इंजन के साथ, वो आती है 125 सीसी के इंजन के साथ। वो फ्रेंड्स 5 स्पीड गियर बॉक्स का सेटअप आपको ऑफर करता है, यहाँ पे 4 स्पीड गियर बॉक्स का आपको सेटअप मिलेगा। और दोनों में माइलेज में यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, 60 to 65 के अप्रॉक्स का यहाँ पे दोनों बाइक्स माइलेज ऑफर कर देती है। बाकी फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि कौन सी बाइक यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स यहाँ पे साइन 125 जो है वो एक यहाँ पे थोड़ा बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा पावरफुल इंजन आपको मिल रहा है और ऑलमोस्ट फीचर्स सिमिलर है। बाकी अगर आपकी लुक्स जो है वो यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी है तो आप यहाँ पे लीवो को भी चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा स्पोर्टी डिज़ाइन में आता है। बाकी आप अपनी जो भी राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू फ्रेंड्स।